मैं एक बंदे से मिला था, उसने उससे मैंने ये पूछा कि कोरोना के बारे में क्या सोचते हो। तो कह रहा है कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, अपनी सेफ्टी बस रखनी है। मास्क लगा रखा था उसने और बोल रहा है कि ज़्यादातर लोगों के तो अंदर आएगा और वो चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अब वो शौक की क्या चुतियाबा बोल रहा है यार, मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर आएगा और चला जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, और इस चीज़ को पेंडेमिक मान रहे हैं जब इनको खुद को पता है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर आके निकल जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इतना जब वीक कोई वायरस हो सकता है तो किसी को जान से कैसे मार सकता है भाई? सिंपल सी बात है, नहीं मार सकता वो वायरस किसी को भी जान से। मास्क लगा रखा है, सेफ्टी पूरी रखी हुई है, लेकिन कोरोना से नहीं डर रहा। कोरोना को बोल रहा है कि मेरे अंदर आया होगा, हर किसी के अंदर आया होगा और चला भी गया होगा क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग है, यह है वो है, नहीं अफेक्ट किया होगा, बहुत सारे लोगों के साथ तो यही है। तो ऐसी चीज़ को फिर पेंडेमिक क्यों मान रहे हो? ऐसी चीज़ के लिए अगर मास्क क्यों लगा रहे हो? अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर आके जा सकता है तो मास्क लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसको आने तो जाने दो, मास्क क्यों लगा रहे हो? मास्क क्यों नहीं उतार रहे हैं लोग, ये सबसे बड़ा सवाल है। मास्क लगाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, क्योंकि ये एक फेक पेंडेमिक है, फेक महामारी है, घोटाला है बहुत बड़ा, पैसों का घोटाला नहीं है, ये एजेंडा डीपॉपुलेशन है। कोरोना वायरस का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, एजेंडा डीपॉपुलेशन, ये सबसे बड़ा एजेंडा है। छोटे मोटे और भी एजेंडा हैं इसके, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एजेंडा डीपॉपुलेशन इसका एजेंडा है, वरना इतनी छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा क्यों बनाया जाएगा जिससे लोग मर भी नहीं रहे? तो लोग सोचेंगे कि अब जब लोग मर भी नहीं रहे हैं तो एजेंडा डीपॉपुलेशन कैसे हो सकता है? ये जो इकोनॉमी हार्म करी जा रही है ना इतनी बुरी तरह से देशों की, लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर किया जा रहा है, लोगों को अपना काम धंधा बंद करने से मजबूर किया जा रहा है, ये है, इससे होगा एजेंडा डीपॉपुलेशन फुलफिल। यही है बहुत सबसे अच्छा तरीका एजेंडा, मतलब लोगों को ज़बरदस्ती मारो, लोगों को, इनका कहना है कि लोगों को कोरोना से नहीं मरने देंगे, भूखे रह करके मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को भूखा मार दो, कोरोना से नहीं मरने दो, कोरोना से बचाना ज़रूरी है, लेकिन भूख से मरेंगे तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है।